सरगुजा जिले के अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज प्रदेश का ऐसा पहला चिकित्सा महाविद्यालय है जहां स्किल लैब स्थापित किया गया है। स्किल लैब की उपलब्धता से मेडिकल स्टूडेंट बड़े ही आसानी से अध्ययन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में स्थापित स्किल क्लब को लेकर डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने बताया कि MBBS छात्रों में इंटर्न्स की कई प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, उनके कौशल और दक्षता के विकास के लिए लैब अनिवार्य है, इससे मेडिकल छात्रों को सीखने में मदद मिलेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में इकलौता कॉलेज है राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा विद्या महाविद्यालय, जहाँ पर स्किल्स लैब है और कहीं भी नहीं है इस प्रदेश में। तो हमें इससे बहुत लाभ मिल रहा है, जैसे कि COVID-19 में स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे गए हैं, जिसमें आप PPE किट्स जैसे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, प्लास्टिक मॉडल्स, और CPR देने के लिए हम लोग को इमरजेंसी में कैसे CPR देते हैं वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ECG ट्यूबिंग्स भी हैं जो ECG में हम लोग को मदद करेंगे कि हम लोग कैसे रीड करें उसको, ECG को। MBBS छात्रों में, इंटर्न्स में और PGs में मेडिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, विभिन्न विधाएँ हैं, उसके कौशल एवं दक्षता विकास के लिए NMC के द्वारा स्किल्स लैब के आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। उसका होना आवश्यक है, उसके बिना कई कॉलेजों की मान्यता पे संदेह और शंका उत्पन्न हो जाती है। हमने प्रयास करके 2021 से दो वर्षों से लगभग यहाँ पर स्किल्स लैब संचालित हो रहा है। ऐसी व्यवस्था राज्य में तो अभी कहीं नहीं है, बाकी कॉलेज भी अब एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी, खुशी भी, और अपने प्रोफेसरान पे इस बात का गर्व रहता है कि उन्होंने मेहनत करके अपने अपने विभागों से संबंधित प्रदर्शन लगाए हैं, जिसे हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दे पाएं।